हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हम यामा फसिनो 125 BS6 मॉडल का टेस्ट राइड करेंगे और देखते हैं कि कैसा इसमें आपको परफॉर्मेंस मिलता है। तो इस मॉडल में आपको जो ये स्कूटर है इसमें आपको 125 cc का इंजन मिल जाता है। इसमें 8.3 PS की पावर मिलती है और अराउंड 10.3 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। इसमें आपको UBS मिल जाता है, यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि आपका एक ही अगर आपने ब्रेक लगाया तो दूसरा वाला ब्रेक भी इंगेज करता है ऑटोमेटिकली, जिससे क्या होता है कि आपकी ब्रेकिंग थोड़ी सेफ्टी लगती है और बारिश के टाइम पर थोड़ा आपको बेनिफिट मिलता है सेफ्टी वाइज। ओके, जो आप इसकी लाइट की बात करें तो इसमें आपको जो है LED हेडलाइट मिल जाती है और इसमें जो इंडिकेटर्स मिलते हैं वो आपको हेलोजन देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी इसके बूट स्पेस की बात करेंगे, इसके जो सीट के अंदर जो अंडर सीट स्टोरेज है वो अराउंड 21 लीटर्स का है और इसमें जो है आपको 5.2 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है। टेल लाइट भी देखेंगे आप तो इसमें आपको LED देखने के लिए मिल जाती है। और इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 1 लाख है और 1 लाख ऑन रोड है और इसमें आपको स्पेशल एडिशन और भी बाकी सारे मॉडल देखने के लिए मिल जाते हैं। माइलेज की बात करें तो इस बाइक का जो माइलेज है, स्कूटर का जो माइलेज है वो अराउंड आपका 65-70 KMPL का है, बट आप 60+ KMPL का माइलेज आप इसमें आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये गाड़ी थोड़ा मिट्टी में चले गया था, धूल लगी है इसमें, बाकी जो है इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है और इसमें जो है जो टॉप वेरियंट्स आते हैं उनमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिससे आप अपना जो पार्किंग लोकेशन है और राइडिंग डायनेमिक्स है वो सब चीज़ें आप पता कर सकते हैं। बाकी इसमें जो है अभी भी आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन वो सब नहीं मिलता है और इसमें आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का सिस्टम भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इको का भी सिंबल मिल जाता है और इसमें फ्यूल लेवल मीटर सब कुछ आपको इसमें डिजिटल देखने के लिए मिल जाता है, स्पीडोमीटर बाकी सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। और इग्निशन देखेंगे काफ़ी स्मूथ है इस स्कूटर का, तो यामा के जितने भी स्कूटर आते हैं जो भी बाइक्स आती हैं इंजन काफ़ी अच्छा रिफाइंड रहता है। और यहाँ पे हम परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाता है, इंजन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ आपको इंजन देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गाड़ी का जो इनिशियल पिकअप है और परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है और गाड़ी में कोई भी आपको वाइब्रेशन देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बिल्कुल रिफाइंड एकदम आप बोल सकते हैं मक्खन की तरह इसका इंजन है। और सेटिंग कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वाइड आपको सीट देखने के लिए मिल जाती है, तो सेटिंग कंफर्ट मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा इस स्कूटर का। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी अच्छी है, इसमें आपको डिस्क का भी ऑप्शन मिलता है और ड्रम ब्रेक दोनों ही देखने के लिए मिल जाते हैं फ्रंट में। और टायर की बात करें तो इसमें आपको 90x90 सेक्शन का टायर मिलता है आगे की तरफ और पीछे आई गेस आपको 110x90 सेक्शन का टायर मिलता है। अलॉय व्हील आपका आगे की तरफ जो है वो 12 इंच का है और पीछे जो है 10 इंच का अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाता है। तो गाड़ी आप देखेंगे काफ़ी स्टेबल है, हैंडलिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है। अगर हम यहाँ पर दूसरे कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें जैसे कि एंटॉर्क है और एक्टिवा 125 है, तो उसके कंपैरिजन में ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टेबल है और यामा की गाड़ी में आप डेफिनेटली भरोसा कर सकते हैं। इनका जो इंजन रिफाइनमेंट रहता है काफ़ी अच्छा रहता है और यहाँ पे आप देखेंगे बूट स्पेस भी अच्छा मिलता है और लेग रूम आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी है और 1 लाख थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस है, उस प्राइस के हिसाब से गाड़ी अच्छी है, डेफिनेटली इंजन तो रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा है और फ्यूल इंजेक्टेड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो माइलेज आपको आराम से 65+ KMPL का आराम से मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे आप हैंडलिंग देखेंगे तो हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है स्कूटर की और गाड़ी बिल्कुल भी बंद नहीं होती, एकदम स्मूथली चलती है, तो ये चीज़ यामा की मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यामा की ये जो फसिनो 125 है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको इसमें मिल जाएगा। बाकी ब्रेक्स देखेंगे तो ब्रेक भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, सेटिंग कंफर्ट अच्छा है और जो है राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है स्कूटर की। थैंक यू गाइस।